पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खूब सुना होगा साहब आपने। हर बात जब नेतागिरी की हो तो पूछे ही मत। अब इसका ठोस वाला उदाहरण भी टक टक ही बांध कर गांठ लीजिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कटप्पा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। सुना, तिग्गी बाबू ही है, खुद रायता फैलाए तो ठीक, लेकिन कार्यकर्ता को क्या ज्ञानवाणी पेली है। ओफ, याद है ना बाबू, हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस की एक बड़ी बैठक थी, प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक सहित अध्यक्ष कमल बाबू मौजूद थे, लेकिन बल्लम सब गायब। बल्लम बोले तो खुद दिग्गी बाबू के साथ अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया सहित अन्य छत्रा। गैर मौजूदगी चलिए समझ आती, लेकिन आपसी खुन्नस, ओफ। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दिग्गी बाबू तो दो कदम और आगे बढ़ चले हैं। देखिए कैसे अरुण यादव को कुलू कुलू करते हुए अगला मुख्यमंत्री बनाने का झुनझुना पकड़ा रहे हैं। अब भाजपा को मौका मिला तो लपक मारा, नेताजी कांग्रेस के दूध की रबड़ी बनाने पर तुल गए। मानिए कि दिग्विजय सिंह एक नया चक्रव्यूह रच रहे हैं, जिसमें वो सबको इकट्ठा कर रहे हैं, और 20 अगस्त के बाद इस चक्रव्यूह में कमलनाथ जी फंसकर हताहत होंगे, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। फिर दिग्गी का खेल शुरू हुआ है कांग्रेस में, खंड खंड होती कांग्रेस, विखंडित कांग्रेस। अब भैया दिग्गी बाबू की तो दिग्गी जाने, लेकिन कहीं हालात यही रहे तो ऐसा ना हो कि चुनाव तक कांग्रेस के नाम प्रदेश कार्यालय के माध्यम पर महज एक बड़ा बोर्ड ही लटका रह जाए।